सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुबह 10 बजे आदित्य लांगे एसपी अमरोहा के नेतृत्व में एक पैदल ट्रैफिक जागरूक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ विजय कुमार राणा सीओ हरीश सिंह वर्धन कोतवाली अमरोहा हमराहा थे। इस विशाल रैली में पुलिस कर्मी जागरूक ट्रैफिक नियमों की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर रैली के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एसपी अमरोहा ने कानूनी कार्रवाई की। इस मौके पर एसपी अमरोहा ने कहा कि नवंबर माह में हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक रैली निकालते हैं। इससे पहले भी आम जनता ने हमारा सहयोग किया था, हमें आशा है कि आम जनता इस बार भी हमारा सहयोग करेगी। इन्होंने कहा कि बगैर नेम प्लेट बगैर हेलमेट ट्रिपल सवारी के वाहन ना चलाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत में वाहन में नशीले पदार्थ व नशे की हालत में वाहन चलाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि आप लोग हमारा परिवार हो, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लापरवाही से मृत्यु हो जाती है। रैली के दौरान कोर्ट के चौराहे पर आम जनता ने एसपी साहब के सराहनीय कार्य को देखते हुए सम्मानित किया तथा प्रशंसा की। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज से आज खड़े हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अंदर, जहां पर आज ट्रैफिक को लेकर एसपी अमरोहा सीओ अमरोहा कोतवाल साहब ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसमें ट्रैफिक का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी, अगर तुमने ट्रैफिक का उल्लंघन किया तो तुम्हारी फैन नहीं, चालान काटे जाएंगे, और बहुत से मुद्दों पर एसपी साहब ने जो है अभी बयान करे। अभी हमारे साथ जो रैली के अंदर थी, अभी हमें कोर्ट के चौराहे पर हमने बयान दिया, एसपी साहब ने बयान दिया और तमाम लोगों को समझाया कि देखो ट्रैफिक का उल्लंघन न करो, तीन सीट पर नहीं चले, और यदि किसी ने नाबालिग लोगों को गाड़ियाँ दी के माँ बाप के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बने रहिए बहार अदर के साथ हकीकत न्यूज से, जब तक के लिए सलाम नमस्ते।